हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, बारूद पुत्र डोगा का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं उस वक्त यहीं से गुजरा था, मगर साहब रात वाली घटना मेरी कुछ समझ में नहीं आई। क्या मतलब? रात मैंने सारा वाक्या देखा था। डोगा तो मूर्ति अंदर रखकर चला गया था। डोगा के जाते ही साहब वो टेम्पू वाले लोग दोबारा उसे टेम्पू पर लाद कर 9-2-11 हो गए। क्या हद हो गई! तो फिर उन्होंने डोगा के साथ मूर्ति उतरवा कर उसे मंदिर में रखवाने का ड्रामा क्यों किया? सूरज का जॉगिंग का मूड ऑफ हो चुका था। सूरज ने सोचा, चलो जिम में लौट कर कसरते ही कर लूं। पंडित ने झूठ बोला। निसंदेह वो नकली पंडित था। अद्वत चाचा उसके चेहरे पर मंडराती परेशानी को ताड़ गए थे। सूरज, तुम्हारा ध्यान पुशअप पर नहीं है। आपने कैसे जाना? तुम्हारा चाचा हूँ। तुम पुशअप करते समय सांस ठीक से नहीं छोड़ रहे हो। हाँ अद्रक चाचा, सचमुच परेशान हूँ। सूरज ने अपनी परेशानी अद्रक चाचा को बताई। बंदरों और हनुमान जी की घटना में एक समानता है बेटे। राम भक्त हनुमान जी का वानर सेना के साथ संबंध जुड़ता है, मगर डोगा के साथ क्या संबंध हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया हूँ कि अगर उन बंदरों को उस काम के लिए ट्रेंड किया गया था, तो इतने सारे बंदरों को स्कूल के बच्चों की तरह ट्रेंड करना असंभव है। तुमने बचपन बचपन में बंदर वाली ये कहानी सुनी है, जिसमें बहुत सारे बंदर एक टोपी वाले को टोपियाँ उठाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और टोपी वाले की तरह टोपियाँ पहन लेते हैं। मेरा बचपन तो गुंडागर्दी की गोद में और उसके बाद ढाबों में झूठे बर्तन मांजते गुजरा है। मुझे कहानी भला कौन सुनाता? सूरज के पुराने जख्म कुछ पलों के लिए हरे हो गए थे, मगर अदरक चाचा ने जल्दी ही बात को संभाल लिया था। उस कहानी में टोपी वाला अपनी टोपियां बंदरों से वापस लेने के लिए एक तरकीब लगाता है। वो अपनी टोपी सिर से उतार कर गुस्से में नीचे जमीन पर पटक देता है। बंदर स्वभाव से नकलची होते हैं। उसकी देखा देखी सारे बंदरों ने टोपियां अपने सिरों से उतार कर नीचे फेंक दी और वह उन्हें इकट्ठा करके अपने रास्ते बढ़ गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सारे बंदर ट्रेंड नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ एक ही बंदर ट्रेंड किया गया होगा? जब उस बंदर ने डोगा पर कूदकर फूल माला डोगा के गले में डाली, तो उसकी देखा देखी बाकी बंदरों ने अपनी नकलची स्वभाव के कारण वही हरकतें दोहराई। इसका मतलब फूल मालाएं वहां पर पहले से ही रख दी गई थी। यही हुआ होगा। शैतान काल पहलिया, तुम्हारे साथ फिर कोई खेल खेल रहा है। अब इस खेल का आभास मुझे पूरी तरह से हो चुका है। सावधान रहना। सावधान रहने की जरूरत तो अब कालू को है, मगर पहले डोगा को थी, क्योंकि कालू की हरकतें अब रंग लाने वाली थी। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। डोगा को बूंदी के लड्डू खिलाने का वक्त आ गया है। हा। काल पहेलिया साधु वेश में वहां क्यों आ गया था? लोगों का हजूम हनुमान मेले की ओर बढ़ा आ रहा था। बोलो हनुमान जी की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हनुमान के भक्तों को प्रतीक्षा थी बाबा भूतनाथ द्वारा समाधि भंग करने की। बाबा भूतनाथ हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। आज वे अपनी 40 दिन पुरानी समाधि को भंग करेंगे और 40 दिन बाद आज कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबा आज एक विस्मयकारी रहस्य को उजागर करेंगे। भूतनाथ को 40 दिन की समाधि पर इसी दिन के लिए बिठाया था। रात को जब बत्ती चली जाती है, ये खूब पेट भरकर खा लेता है और पी लेता है। हा। बाबा ने समाधि भंग कर दी। जय हो, जय हो, बाबा भूतनाथ की जय हो। धूम पू पू मेरी नहीं, हनुमान जी की जय हो। बोलो बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बाबा क्या रहस्य खोलेंगे? हनुमान जी की शक्ति देखो, 40 दिन से बिना खाए पिए भी जिंदा है। बाबा भूतनाथ ने रहस्य खोला।
समाधि के दौरान ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं सपने में आकर मुझे दर्शन दिए। वह बताया कि हनुमान जी कलयुग में भी अवतार ले चुके हैं, किसी ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं है। मुझे उनके नाम का प्रचार करने का आदेश प्राप्त हुआ है। कौन है वो? मुंबई में रात के रक्षक डोगा जी वास्तव में हनुमान जी के अवतार हैं। उस युग में जन्मे हनुमान जी भूत प्रेत पिशाच व राक्षसों को भगाते थे। आज वही डोगा के रूप में चोरों बदमाशों व अपराधियों से लोगों की रक्षा करते हैं। आज का बारूद पुत्र डोगा ही पवन पुत्र हनुमान जी का अवतार है। जैसे ही डोगा जी की यह वास्तविकता प्रकट हुई तो कई चमत्कारी घटनाएं हुई जिनसे सच्चाई की पुष्टि हो गई। वानर सेना को जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने डोगा जी के गले में फूल मालाएं पहनाई और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी के परम भक्त फोटोग्राफर टेकू चंद को भविष्यवाणी हुई और उसने इस अद्भुत घटना की तस्वीरें उतारी। हाँ, वो सब सपने जैसा था, मगर सपना नहीं था। टेकू चंद फोटोग्राफर ने एक अन्य पंडाल में अपनी बात के सबूत तस्वीरों की उस प्रदर्शनी के रूप में पेश किए। ये तस्वीरें उन्हीं क्षणों की है। मैं तो ऐसी तस्वीरें खींचकर धन्य हो गया। आप भी अपना जन्म सुधारें। इन तस्वीरों में तो सचमुच वानर सेना डोगा के गले में फूलों के हार पहना रही है और उसके बाद वानर सेना डोगा के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम कर रही है। इस तस्वीर में देखो, इसमें स्वयं हनुमान जी डोगा को गले लगा रहे हैं। बारूद पुत्र डोगा, तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। बाबा भूतनाथ की जय हो, आपका कथन सत्य है। हमारा रात का रक्षक ही हनुमान जी का अवतार है। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो बाबा भूतनाथ की जय, डोगा की जय। हमारा फेंका तीर निशाने पर जा लगा है, हा हा हा। इसीलिए मैंने अपनी चाल धारावी की निर्धन बस्ती में लगे हनुमान मेले में चली है, जहाँ के गरीब अनपढ़ व अंधविश्वासी लोगों में ये अफवाह अब बड़े जोर से फैलेगी। ओए डोगे, अब दिन हो या रात, तू मुंबई की सड़कों पर खुले आम नहीं घूम सकेगा। अब तेरा दिमाग इस घन चक्कर में ऐसा उलझेगा कि तू अपनी सारी डोगा गिरी भूल जाएगा। काल पहलिया ने बिल्कुल पक्का व पुख्ता इंतजाम किया था। बारूद पुत्र डोगा जी की मूर्तियां यहां मिलती है। बारूद पुत्र डोगा जी की मूर्ति तो मैं जरूर खरीदूंगा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डोगा आम इंसान नहीं अवतार है। तभी तो उसका पता नहीं चलता कि कहां से आता है और कहां चला जाता है। राजा पॉकेट बुक्स सभी देवी देवताओं व अवतारों की पुस्तकें छापते हैं। इन्होंने डोगा चालीसा भी छाप दिया। ये तो इन्होंने हम डोगा जी के भक्तों पर बड़ी कृपा करी। डोगा चालीसा का गुणगान आरंभ हो गया। जय 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 डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी। चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम दियावे। सब संकट जड़ से कट जाई, पहाड़ न बनने देरे देवे राई। मुंबई की सुनसान सड़कें अकेली लड़की के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जाने दो प्लीज। जाने देंगे, पर तू जाएगी हमारे साथ, हा हा हा। लड़की की माँ ने कहा था कि अगर रात को ऑफिस में कभी देर हो जाए और कोई संकट पड़े तो फौरन डोगा चालीसा का पाठ करना। जय जय डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी। चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम ध्यावे। ये तो डोगा चालीसा पढ़ रही है। लड़की ने आंखें खोली। अरे, वो तीनों बदमाश भाग गए। डोगा की महिमा अपरंपार है। मुंबई में अपराधियों की हिम्मत भी अपरंपार है। ए जोरी, इस खाली बैग को भरने में जरा भी देर की तो तेरा भेजा उड़ा देंगे। ऐसे में डरा हुआ इंसान जो करता है वही जोहरी ने भी किया। हे बारूद पुत्र डोगा रक्षा कर। जय 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 डोगा गंधारी। डोगा जी भागो। बारूद पुत्र डोगा चालीसा सुनते ही भाग गए। डोगा जी की महिमा अपरंपार है। आज डोगा जी ने स्वयं आए बिना ही मेरी समस्या हल कर दी। गुंडे मवाली शायद डोगा के लिए समस्याएं बढ़ा रहे थे। शाबाश, तुम लोगों ने डोगा चालीसा से भयभीत होकर भागने की अच्छी एक्टिंग की है। ये लो अपना अपना इनाम,
और अपना काम ऐसे ही करते रहो। हा। धन्यवाद काल पहेलिया। दोगे, मैं हनुमान जी के अवतार के रूप में लोगों में तेरी ऐसी अंधविश्वासी छवि बना दूंगा कि तेरा जीना दूभर हो जाएगा। हा। मशाल पार्टी स्मगलरों की डीलिंग पार्टी थी। इसमें कैंडल लाइट डिनर की तरह मशाल लाइट डिनर की मस्ती होती है। ऐसी पार्टियां अक्सर किसी सुनसान बीच पर होती है। माल वाले स्टीमर को अब तक आ जाना चाहिए था। गोल्ड किंग आने वाला होगा, तब तक पार्टी को एंजॉय करो। ये एक बड़ी डील की खुशी में है। गोल्ड लेकर स्टीमर आ गया गोल्ड किंग, मगर कोई अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जाकर देखो सैंडो। देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह, अरे कुत्ता, स्टीमर में से गोल्डी को बाहर आना चाहिए था बड़ी डील लेकर, मगर आ गया मैं। डोगा, अंदर लाश बने पड़े तुम्हारे आदमी, गोल्डी की मौत बनकर, तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर, तड़ाक बड़ी गन के साथ, च्यूं 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 च्यूं, आ उफ। स्मगलरों की भीड़ भागी सिर पर पांव रखकर। डोगा भी उनके पीछे भागा हाथ में गन लेकर, च्यूं च्यूं च्यूं। कल तक डोगा को देखते ही आम आदमी भी इधर उधर हो लेता था, मगर आज स्थिति उलट चुकी थी। अरे डोगा जी, बारूद पुत्र डोगा। डोगा को उस वक्त गोलाबारी रोक देनी पड़ी। बारूद पुत्र डोगा जी की महिमा अपरंपार है। बारूद पुत्र डोगा, मेरा नया नामकरण। मेरा रास्ता छोड़ दो, अपराधी बचकर निकल जाएंगे। अपराधियों को तो आप फिर दोबारा भी मार देंगे डोगा जी, मगर हम अभागों को आपके दर्शन पता नहीं, दोबारा नसीब हो ना हो। कुछ और लोग भी डोगा जी का नाम सुनकर वहां आ गए। अरे किसी को डोगा चालीसा याद है क्या? मुझे तो एक बार में ही याद हो गया था। जय 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 डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी। चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम ध्यावे, सब संकट जड़ से कट गई, पहाड़ न बनने देवे राई। हे डोगा जी, हमें छोड़कर न जाना, हमें अपनी शरण में ले लो प्रभु। मुझे सुख शांति का वरदान दो। पिछले बरस में कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था, इस बार ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल का वरदान दो डोगा जी। मैं तो दमे से परेशान हूं, या तो दम निकालो या फिर मेरा दमा ठीक कर दो डोगा जी। डोगा, मुझे 90% मार्क्स का आशीर्वाद दो। आप हनुमान जी के अवतार हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। डोगा चालीसा, बारूद पुत्र, हनुमान जी का अवतार? क्या बकवास कर रहे हो? हे बारूद पुत्र डोगा गंधारी, हमसे छल ना करो। आज तक तुमने जो कुछ किया, हम उससे तुम्हें क्राइम फाइटर ही मानते रहे। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम तो अवतार हो, अवतार डोगा। ऐसी बकवास मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। भीड़ को भगाने का डोगा के पास अब एक यही तरीका बचा था। च्यूं, अरे गोली की आवाज भी किसी को भयभीत नहीं कर रही। डोगा जी गोली नाद कर रहे हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर अपराधी भाग गए हैं। इस भीड़ को भगाने के लिए मुझे आंसू गैस का गोला फोड़ना होगा। गोले की गैस ने सबको रुला दिया। इस स्थिति का लाभ उठाने से डोगा चूका नहीं था। आज लोगों को क्या हो गया? इन्हें किसने बहका दिया? इनकी निगाहों में मैं अवतार कैसे हो गया? बारूद पुत्र डोगा, बकवास। अधम खुश था। गोल्ड मैन ने जो कुछ बताया है उससे लगता है कि काल पहेलिया ने जो चक्कर चलाया था वो अब रंग दिखाने लगा है। काल पहेलिया के कहने पर ही हमने ये मसाल पार्टी और नकली डीलिंग पार्टी अरेंज की थी। काल पहेलिया का फोन आया। अब डरो नहीं, खुलकर अपराध करो। मेरे आदमी लोगों के बीच एक अफवाह और फैला रहे हैं जिससे डोगा अब तुम पर गोली भी नहीं चला पाएगा, मगर ध्यान रहे, मेरा हफ्ता ठीक समय पर पहुंचा देना। लोग पलके बिछाए डोगा जी के प्रकट होने की प्रतीक्षा में डोगा का जागरण कर रहे थे। जय 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 डोगा गंधारी, महिमा गाए मुंबई की जनता सारी। डोगा जी किसी को गटर से प्रकट होते दिख गए। डोगा जी प्रकट भए, डोगा जी की जय। डोगा जी प्रकट भए, इनकी गोली खाकर जो मरे वो सीधे बैकुंठ को प्रस्थान करे। अधम ग्रुप के अपराधियों के हौसले बुलंद थे आज।
लाश सड़क पर फेंक दो, इसके घर वालों ने फिरौती देने से मना किया था, मगर वहां डोगा खड़ा है, वो अपना पिस्तौल सीधा कर रहा है। डोगा ने गोली चला दी मगर धाए, आह उफ, ये बीच में कौन आ गया? बीच में एक नहीं आया था, बहुत से लोग आ गए थे। डोगा, या तो हमारे कष्ट हरो या हमें गोली मारकर बैकुंठ लोक का रास्ता दिखाओ। मैं सिर्फ अपराधियों पर गोली चलाता हूँ, मेरी गोली से मरने वाले अपराधी नरक को जाते हैं। मूर्खो, आप हमें गोली तो मारो डोगा जी, हम आपके हाथों गोली खाकर नरक जाने को भी तैयार हैं। डोगा को वापस कटर में समा जाना पड़ा। काल पहेलिया का सूरज चढ़ती पर था। मेरे इष्ट गोगा देव के मंदिर का पुनर्निर्माण केवल पैसों की तंगी के कारण रुका पड़ा था। डोगी ने जीना हराम कर रखा था। हम अपराधी गैंग पैसे पैसे के लिए मोहताज होते जा रहे थे, मगर मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, गोगा देव की भव्य मूर्ति लगेगी। काल पहेलिया अपने कबीले के लोगों को जमकर पैसा बांट रहा था। खूब ऐश करो, हा हा हा, तूने गोगा देव जी का मंदिर ठीक करवाकर बहुत पुण्य किया है कालू बेटे। इसके बाद मैं श्री डोगा जी का मंदिर भी बनवाऊंगा, जहां रोज कुत्तों को मीट परोसा जाएगा। जोरावर, अब हमारे पास खूब पैसा आएगा। मैं चाहता हूं कि इस बार मैं इलेक्शन में जीतकर संसद सदस्य बन जाऊं। डाकू संसद सदस्य भी हो तो पैसे के साथ साथ कानून भी उसकी जेब में आ जाता है। हा हा हा, ये तो अति उत्तम व उच्च विचार है काल पहेलिया, मैं इंतजाम कर दूंगा। पुलिस ने भी डोगा को अपराधी घोषित करने का इंतजाम किया हुआ था। वो तस्वीरें झूठी है जिसमें हनुमान जी डोगा को गले लगा रहे हैं। डोगा अपराधी है, सिर्फ अपराधी। इधर सूरज व उसके चाचे चिंता में डूबे थे। आखिर ये हो क्या रहा है? डोगा अवतार डोगा जी कैसे हो गया? इसमें कोई षड्यंत्र है सूरज बेटे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बंदरों ने तुझे फूल मालाई क्यों पहनाई। दरअसल बंदरों ने तुझे फूल मालाएं नहीं चढ़ाई, बल्कि काल पहेलिया ने तुझे अंधविश्वास की टोपी पहनाई है। हनुमान जी की मूर्ति टेम्पू से नीचे उतरवाने का चक्कर भी मेरी समझ में आ गया है। तेरी समझ में तो आ गया है बेटा सूरज, मगर लोगों की समझ में कैसे आएगा? पुलिस कमिश्नर ने अपनी फोर्स को विशेष ऑर्डर देने के लिए इकट्ठा किया। अवतार के रूप में डोगा की जो मूर्तियां वह चालीसे बाजार में बिक रहे हैं, उन्हें जब्त करो। लोगों ने कुछ मेन होलों पर डोगा जी के मंदिर बनाने शुरू कर दिए हैं, उन्हें नगर निगम के बुलडोजर ले जाकर गिरा दो। डंडों के जोर पर लोगों को समझा दो कि डोगा सिर्फ अपराधी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा। डोगा डोगा, मगर तुम खुद मौत के मुंह में क्यों चले आए? पता नहीं कैसी अफवाह फैली है, लोगों ने मुझे अवतार समझ लिया है, मेरा जीना दूभर हो गया है, मेरे डोगा बनने के मकसद की मौत हो गई है, इसीलिए मैंने निराश होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। उसी रात, ये सच है सर, वो डोगा डोगा नहीं था, मगर रात उसकी मौत हो गई है। रात उसके सिर में भीषण दर्द हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसका मुआयना करके बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर था जो कि फट गया था। डोगा की ड्रेस के नीचे उसने जो कपड़े पहने थे उससे एक टेलर का फोन नंबर मिला। टेलर ने उसे पहचान लिया, नकली डोगा नगेंद्र था। हमने नगेंद्र के घर की इंक्वायरी की तो वहाँ उसकी बहन मिली, उसने बताया कि नगेंद्र को ब्रेन ट्यूमर था जो कभी भी फट सकता था। जब टीवी पर नगेंद्र ने पुलिस की विज्ञप्ति को सुना तो उसने प्लान बनाया कि क्यों ना वो डोगा के सारे अपराध अपने सिर लेकर आत्मसमर्पण करके मरे, इससे उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और असली डोगा जो कोई भी होगा उस पर तब कोई इल्जाम नहीं रहेगा और डोगा को अवतार बनाने वालों के मुंह पर भी ताला लग जाएगा। उसकी बहन अब इस दुनिया में अकेली हो गई है, मैंने उसे सरकारी मदद का आश्वासन दिया है। नगेंद्र का अंतिम संस्कार कर दो और इस खबर को दबा दो। मगर पुलिस डिपार्टमेंट में डोगा के चहेते कई पुलिसिये मौजूद है जो डोगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। खबर दबने वाली नहीं थी,
कमिश्नर साहब, ये चिता डोगा की है। कल उसने आत्मसमर्पण किया और रात पुलिस हिरासत में मारा गया। कैसे? ये झूठ है। तो फिर पुलिस को इतनी सुरक्षा में किसकी चिता जलाई जा रही है? मीडिया के लिए सनसनीखेज न्यूज थी। काल पहलिया का तो हार्ट अटैक होते होते बचा। डोगा मारा गया? बेवकूफ ने सरेंडर कर दिया। डोगा मेरे लिए हीरे के अंडे देने वाली मुर्गी थी। उसकी मौत की खबर मेरे सारे अंडों को बर्बाद कर देगी। अधम मुझे धेला भी नहीं देगा। अधम की बाँचे खिल गई थी। डोगा मारा गया, हा हा हा। ये तो एक तीर से दो शिकार हो गए। काल पहलिया को पैसा पहुंचाना बंद कर दो। चीयर्स। कोकीन किंग आबू शकील, तुम घबरा रहे थे कि कहीं डोगा ने तुम्हारी बोट को रोककर कोकीन की खेप पकड़ ली तो तुम्हारा 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जाओ अब निश्चिंता से काम करो। ओह यस यस, निश्चिंता काम नहीं आई। आबू शकील, आज मेरी गोली तेरा सीना चीर कर रहेगी। आह, अधम की खुशी अधूरी छूट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब डोगा जिंदा है। काल पहलिया को उसका हफ्ता जल्दी पहुंचाओ। हम खामखा खुश हो गए थे। डोगा ने आबू शकील को तो गोली मार दी, मगर इस घटना से लोगों की भीड़ उसकी ओर उमड़ पड़ी। डोगा जी अवतार है, उनकी मृत्यु की खबर झूठी। पुलिस ने जानबूझकर फैलाई है। अवतार हमर होते हैं। डोगा जी की जय। मेरा रास्ता छोड़ दो। डोगा झल्ला बन गया था। छोड़ दो मेरा रास्ता कमबख्तों। ताड़ ताड़। अवतार डोगा जी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। चुपचाप पिटो, मगर डोगा जी को जाने मत दो। डोगा जी की जय। भीड़ के हाथों डोगा का चीर हरण होने लगा। चर्र, ये तो मेरी ड्रेस को फाड़ देंगे। अरे, मेरा अंडरवियर फाड़ रहे हैं। चर्र, मगर डोगा के वस्त्र इतने कच्चे वे असुरक्षित कैसे हो गए कि भीड़ के नोचने से फट गए। भाग रे डोगा, हट जाओ पीछे नकमबख्तो, नालायको। डोगा जी तो हमें मारे ही जा रहे हैं। ये पवित्र मार है, खाए जाओ खाए जाओ। डोगा जी के गुण गाए जाओ। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर डोगा अपने कबीले में पहुंचा। हैं, कबीले में? मगर वो तो जिम जाता है। कमबख्तों से बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। डोगे का रूप धरकर तो मैंने अपनी मुसीबत ही बुला ली थी। ये जरूरी था, वरना अधम पैसे भेजना बंद कर देगा। अच्छा, तो ये रहस्य है डोगा के दोबारा जिंदा होने का। तो तुम लोग यहाँ? हम तो तुम्हें हफ्ता देने आए थे, मगर अब तुम्हारी कलाई खुल गई। तुमने ही आबू शकील को डोगा का रूप धरकर मारा है। अब तुम्हें मारकर हम जुहू के हनुमान मंदिर पर जाएंगे, जहाँ अधम के साथ 2 अरब रुपयों के हीरो की डीलिंग होनी है। डोगा वाला ये रहस्य अधम को बताने के लिए तुम तीनों अब जिंदा नहीं रहोगे, मगर डीलिंग का रहस्य बताने के लिए शुक्रिया। भरोसे, कल मेरा शार्क अष्टदशी का व्रत है। इन तीनों को समुद्र में वहां ले जाकर फेंकना जहां शार्क होती है। अधम व डायमंड किंग के बीच हीरो की डीलिंग जारी थी। जल्दी करो, डायमंड लो और मेरा पीछा छोड़ो, कहीं डोगा ना आ जाए। घबराओ नहीं, डोगा अब यहां नहीं पहुंचेगा। उसे देखते ही भीड़ उससे चिपट जाती है, हा हा हा। और जब डोगा दिखता है तो तुम्हारे जैसे अपराधियों की सारी भीड़ निपट जाती है। जिंग जिंग जिंग, आ उफ। गोगा देव की कृपा से 2 अरब रुपये के हीरे अब मेरे हो गए, हा हा हा। एक चीज और तेरी हो गई कालू, मेरी मार धाड़। आ, ये तो पिटाई का जाना पहचाना स्वाद है। आकली बाकली डिलीशियस। ओए डोगे, ओए डोगिया, तू मैनू लात मारी? तू लात खाने के ही लायक है कालू। तूने मुझे हनुमान जी का अवतार बनाकर अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया। इसलिए ही हनुमान जी की कृपा से मैं उस समय वहां पहुंच गया जब तेरे आदमी अली बली और लवली को शार्कों में फेंकने जा रहे थे। उन्हें मैंने खुद शार्कों के हवाले किया। उफ। डोगा श्रद्धा से जूते बाहर उतार कर खुद भी मंदिर में आ गया। वहां से मुझे अधम की डील का पता लगा। मैं समझ गया कि डील खराब करने तू भी वहां आएगा, इसलिए
मैं अधम और तेरी लड़ाई के बीच में नहीं आया। मेरे नाम पर तूने जो धार्मिक अफवाहें उड़ाई हैं उसकी सजा मैं तुझे यहीं हनुमान जी के चरणों में ही दूंगा कालू। मैं यहाँ मंदिर में गन का प्रयोग भी नहीं करूंगा। किस ठाक आह, मैं हनुमान जी की गदा से ही तुझे पीट पीट कर तेरा गधा बना दूंगा कंबख्त। और अब तू चाहे दोगा चालीसा पढ़ या हनुमान चालीसा, तुझे मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसा मत कर डोगे, मैंने तो तुझे अवतार के रूप में प्रचारित करके लोगों में तेरी श्रद्धा बढ़ाई है। जगह जगह तेरे मंदिर बन रहे हैं, लोग तेरा गुणगान कर रहे हैं और तू मुझे ही मार रहा है डोगे। तू लोगों को प्रेम के मंदिर बनाने की प्रेरणा देता, उसमें भाईचारे और एकता की मूर्तियां लगाने को कहता तो मैं खुद तेरी पूजा करता कालू। मगर तू तो अपराध जगत के स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगले दिन लोगों की भीड़ में खुद सूरज भी अपनी मंगेतर मोनिका के साथ मौजूद था। दोगा अवतार न सही रात का रक्षक तो है। मैं काल पहलिया हूँ, मुंबई वासियों मुझे माफ कर दो। मैं ही वो पापी इंसान हूँ जिसने दोगा को हनुमान जी का अवतार साबित करने की चेष्टा की। मेरे सिखाए हुए बंदरों ने ही फूल मालाएं दोगा के गले में पहनाई थी और वो साक्षात हनुमान जी नहीं थे जो फोटो में दोगा को गले लगा रहे थे, वो उनकी मूर्ति थी। बाबा भूतनाथ ढोंगी मेरा ही आदमी था, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। दोगा अवतार न सही रात का रक्षक तो है ही, लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है। जय बजरंगबली, अर्थात समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।